सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिंदरी में रविवार को सिंदरी डोमगढ़ में डोमगढ़ बचाओ मोर्चा के बैनर तले एक आम सभा का आयोजन किया गया। वहीं उपस्थित स्थानीय लोगों ने FCIL के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना रवैया का पुरजोर विरोध किया। मोर्चा के अध्यक्ष धीरज सिंह ने कहा कि FCI मैनेजमेंट सेल प्रबंधन के साथ मिलकर दलाली न करें, साथ ही पूर्व से बेघरों के सर से छत छीनने की साजिश न करें। जो भी लोग मैनेजमेंट की ओर से खंडहर घोषित मकान में रह रहे हैं वो करोड़पति तो हो नहीं सकते, तो ऐसे वर्ग को प्रताड़ित करने की मनसा न रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द की गरिमा रखते हुए बेघरों को छत देने की नीति पर कार्य करें, न कि छीनने की। विदित हो कि 50 वर्षों से या उससे भी पूर्व से लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ रह रहे हैं, अचानक कहाँ जाएंगे। FCI प्रबंधन के पास वर्तमान परिदृश्य से वाकिफ हो एवं बड़ा दिल दिखाते हुए यथावत स्थिति में शहर को रहने दें, अन्यथा मुंह की खाने को तैयार रहें। धीरज सिंह ने लोगों को आश्वस्त भी किया कि जल्द ही इस विषय पर एक हस्ताक्षर अभियान चलाकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से डोमगढ़ बचाओ मोर्चा के सदस्य के साथ मिलेंगे तथा इसकी वास्तविक स्थिति बयां करेंगे। आज है कि हम लोग पूर्वजों से हमारे बाबा दादा यहाँ पर रहते हुए आ रहे हैं और हम लोग भी सप्लाई के तौर पर और यहाँ पर काम करते हुए आ रहे हैं। ये सेल जो है सेल का एक बहाना है, FCI चाह रहा है कि हटाओ। भाई हम लोग 2002 से फैक्ट्री बंद हुआ, उसके पहले से हमारे पूर्वज रहते आए हैं, हम लोग भी रहते हैं। इसलिए सभी जितने यहाँ पर डोमगढ़वासी हैं अभी कहाँ जाएंगे। से एक महिला खड़ी हूँ जो सबके लिए मतलब हम लोग सपोर्ट में, मेरे यहाँ के जो धीरज बाबू हैं उनके सपोर्ट में हम लोग खड़े हैं। धीरज बाबू जो पढ़े लिखे यहाँ के नौजवान हैं जो मतलब बहुत जुझारू नेता बनने वाले हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो लड़का हमारा जो है हम लोग के लिए लड़े, हम लोग के लिए कुछ करे। और हम लोग जो यहाँ 60 साल 70 साल से जो रह रहे हैं, हमारे 3 पीढ़ी जो रह रहे हैं, इसके लिए हम लोग ये अभियान चलाए हैं कि सिंदरी बचाओ अभियान का है, जिसमें हम लोग का धीरज बाबू हम लोग एक मुख्य उपाधि उनको दिए हैं कि आप हम लोग की तरफ से बोलिए, ताकि हम लोग तो उतना पढ़े लिखे नहीं कि हम लोग को समझदारी है, जो लिखने पढ़ने का काम है वो कर रहे हैं। लेकिन मैनेजमेंट से यही आग्रह है कि हमारा जो घर है, हम जो इसमें रह रहे हैं, अगर आप भाड़ा चाहते हैं तो हम लोग देने के लिए तैयार है, उससे ज़्यादा हम लोग सक्षम नहीं है। लेकिन 70 साल से जब ये डोमगढ़वासी डोमगढ़ में रह रहे हैं तो इसको छोड़ के जाने का तो अधिकार हम लोग आपको नहीं दे सकते हैं, इसलिए आप हमको निकालिएगा तो उसके आगे हम लोग बहुत सारा कुछ भी कर सकते हैं। यह कार्यक्रम FCI के तुगलकी फरमान के कारण रखा गया है। यह कार्यक्रम डोमगढ़ बचाओ मोर्चा के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से हम सभी डोमगढ़वासी एक साथ एक मंच पर आ गए हैं। और FCI द्वारा जो यह बात बताया गया है कि डोमगढ़ के जगह को सेल को दे दिया गया है, उसके लिए हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आप अपना परिचय दीजिए, नाम। मेरा नाम धीरज कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी युवा नेता। धन्यवाद। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए सिंदरी झारखंड से प्रदीप पाल की रिपोर्ट।